शक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। शुरू हो जाती है जिसके गायक हैं
श्रीमान कालाराम और रीनू कुमार करंजाले वाले और ढोलक प्रसाद देते हैं श्रीमान रवि खान बागवाली वाले और हमारे भगत जी सहयोगी हैं चौधरी बचनाराम ये मानटवरा गद्दी की शोभा और श्री काकाराम करंजाले वाले भगत जी ये भी हमारा साथ देते हैं और हमारे भगत जी राजवीर रघुवीर सिंह ये गाजीपुर वाले और हमारे भगत जी सुरेंद्र सिंह शहजादपुर वाले हमारा साथ देते हैं हमारे ड्राइवर साहब श्रीमान राजू राम ड्राइवर साहब मकंदपुर वाले और लखविंदर सिंह बागवाले वाले ये हमारा साथ देते हैं जय जयकार ले भाई कल्लू भगत की कथा पीर महाराज के दरबार में और ये शुरू हो जाती है जय जयकार पीर ने आ जी
सबसे पहला भगत कुरली बटोली नगर में और एक कोल्लू जाट होया जो पीर ने अपने बरदाना दे पैदा करया हुआ था। और एक लगत जिस टाइम पीर ने बरदान दिया था कोल्लू भगत नो भी मेरा दरबार पुआई भाई और मेरी सेवा करिए मेरे नौ पर तनु हर साल बागड़ देश में आना पड़े करागा। लवाई परचे जमूदे इस भूखे जहार पीर ने कुरली बटौली नगर में लाए फिर वह सारे जिम्मेदार उस भगत की मदद में हुए गए। अरे कोल्लू भगत के पास से पीर ने दरबार पुआ लिया भाई बख्शबंदी का भंडारा दिया गया और सौण का चाला आ गया बागड़ जाने का टाइम आ गया बागड़ जाने वास्ता कितने के लोग तैयार हुए 10-20 आदमी 10-20 जनानियां 5-7 छोटे छोटे न्याणे पैदल पैदल महे का निशान चूल गया राणा जी और टोल बजदा जा रहा कोल्लू भगत गाड़ी गाड़ी रस्ते मां चुनड़ी शहर एकरा था जो मुसलमाना का शहर था यहां राजे खान बलोच का राज और राजा घर पर नहीं है रानी महल पर चढ़ी भी है खान बलोचन। एक लग संग नु देख कर डर गई ए मेरी बांदी आजा तेरे को एक अजब तमाशा दिखाऊं पता नहीं कोई दुश्मन चढ़का आ गया और पता नहीं किसी देश में काल पड़ गया। नहीं नहीं रानी साहब ना किसी देश में काल पड़ा ना कोई दुश्मन चढ़का आया ये तो बागड़ देश में हिंदुआ में पीर पैदा हो गया। ठीक है बांदी फिर ये पीर हिंदुआ का मेरे पति नु ले देगा। हाँ रानी साहब यो जो भगत जैरिया इसनो अपने महल में बुलाओ संगत की सेवा करो अपनी फरियाद कोल्लू भगत के पास लाओ मेरा दिल कह रहा भी पीर तलनो परचा लावागा जरूर। लवी नौकरानो भेट का और भगत नो रानी खान बलोचन ने महल मा बुलाया निशान बाबे का झूलदा महल के गाड़ी लग गया चिराग बाल का कोल्लू भगत जी बैठ गया गद्दी लुवैली रानी खान बलोचन ने भंडारा लड्डू जलेबी का दिया रे भाई। अब आई भगत के पास अजी भगत जी सलाम अलैकुम पीर सच्चे को सलाम ये भगत जी क्या काम है तेरा ये आपने किसका बाड़ा है चिराग। हे रानी साहब हिंदुआ में बागड़ देश में गुग्गा जहर पीर पैदा हो गया ये तो उसी का बाड़ा है चिराग हम तो बागड़ देश सलाम करने जा रहे हैं। भगत जी मेरे कन्नी देखियो जी जरा मेरे पति नु बाहर गए नु 12 साल हो गए ले देगा यो पीर। रानी पीर के चिराग के गाड़ी पीर की सुखना सुख ले पूरा मेरी जोड़ी बीचे हो रह गया बिछोड़ा
बागड़ में चांदी के छतर 101 सोने की सरफी में बाबा जी के खजाने में पाऊंगी 125 ऊंट सुच्चे मोतियों की लाद का बागड़ ले जूंगी। भगत क्या घर या रानी पीर की सुखना जरा सोच समझ कर सुखिए वह सुखना सुखिए जान सी तो आसानी ते दे सका। भगत जी आज क्या सुखिया मन्ने होर सुन गाड़ी रे मैं तो मोतियां की बखेरा कर दी जाऊंगी बागड़ में जयो थारा हिंदुआ का पीर मेरे पति नु ढूंढ का लिया दे। कौलू भगत का गाड़ी दे क्या पूछा था अच्छा रानी पीर तेरी जोड़ी मिला देगा हे रानी पीर तेरे पति नु चंदीनामा तेरे पास लिया देगा पर ये जो सुखना पीर की सुखिया यह तेनु देनी पड़ागी। हाँ हाँ भगत जी लवी रात कट्टी भक्स वेर को गया अरे कौलू भगत बाबे का नाव लेकर चंडा निशान चूसदा पीर महाराज का बागड़ नू जय रहा ढोल बजते जय रे निशान चूसते जय रे सफरा पूरी करका बागड़ मा आ गए। पहली सलाम सूरज गग्याणा अरे दूसरी सलाम गोरख टिल्ले में भगमे बाणे नू शीस नवाया तीसरी दूसरी सलाम टिल्ले में काली माई नू याद कर रहा कौलू भगत जदों दाती मेहरबान होवे लोकों बूटे बिच कल राधे लाव दिए खेत जमिया सी भुल्ले दानिया दा ते दाती जद दया दा मी बरसाव दिए इक तू ना करे ते करू केड़ा मिया मेरी सविया जरूरत पूरिया नू जय हो लोकी तक दे आए बगना बल मेरे मैं ता तकदा रहमता तेरिया नू जिले वाली माई दा सचे दरबार की चली
बड़े प्यार ते संग नू मत्थे टकाए रहा। माड़ी मायका बैठ गया, कोल्लू भगत दे तो महाराज पीर बाबे मेरे को दर्शन। पीर के वरदान ते कोल्लू भगत की गेलो भी जद भगत जी तो मन नू याद करागा, मैं तेरी अंग संग आऊंगा। ए न्यू सज्जा हाथ कोल्लू भगत के सिर पर एक अटकाया, तेरा चाला दरगाह में मंजूर है भाई। एक चुनड़ी शहर मार रानी खान बलोचन ने बाबा जी तेरे नाम की सुखना सुख ली। उसके पति नु बाहर गए नु 12 साल गए, मेरे कहने तो उसकी जोड़ी मिला दे। अच्छा भी भगत जा मनु तेरी इज्जत करवानी ही करवानी है, चंद दिन में उसका पति आ जाएगा। रात में चौंकी बागर देश मां बड़े प्यार से भरिया। अरे सवेर का टाइम हो गया, दरबार से वापस सुफली लेकर आया। इब देखो मेरे कलाधारी पीर की जो जागी, चलिए रे मेरे नारसिंह दुवान। अरे काले घोड़े का सवार देवता नारसिंह और नीले घोड़े का सवार ये मेरा छात्रधारी पीर। और पीर का लटाका बागड़ देश से सज गया। अरे खान बलोच नु ढूंढने वास्ता एक पीर महाराज की सवारी बागड़ देश से कितनों चला रे भाई। कैसे शोभा से बोल बनिया भाई। मारने की नीत ते उठा बखी मांग दो नारसिंह ने गाड़ी। जी घोड़े क्यों मारा मनु
जी महाराज क्यों मारा कहा ग्रहण वाला है चुनड़ी शहर का जी खान बलोच है मेरा नाम सुचे मोतियां का व्यापार करना है मेरा काम। ख्वाजे पीर ने मनु मोती नहीं दिए पीर ने ख्वाजा पीर मनाई लिया मोतियां के ढेर लाए दिए भाई बोरियां भर ली बावन पीरां नु हुक्म देखा अरे ऊट कट्ठे होई हुए मिले पीर लै रहा परचा लास्ट में नारसिंह दीवान नु कह रहा पीर हे द्योते नारसिंह इस औत की रानी बदे सुखना क्या लेनी पड़गी सारियों काम आपको करना पड़ गया भाई चौकिया पर पहरा तेरा होगा। लहराना जी कहान बलोच चलता कर दिया और दो महीने का सफर एक रात में कटवा दिया। हो रहा चुनड़ी शहर मा खान बलोच बचा दिया। खान बलोच कहा जी कोड़े वाले आप कहां रहा जी महाराज। नारसिंह दीवान का सुन भाई मारे रहने का पता अपने घर वाली ने पूछिए भी दो कोड़े वाले कहां रहा। उरा रमै तो तीवी ने मरवाया रहा है या खाल जौन सी तरवाई या तो रानी खान बलोचन ने तरवाई। चुनड़ी शहर मां आ गया खान बलोच राजा। खान बलोचन ने अपने पति खामद का आरता करया माल दूसरी बादशाही में सप्लाई कर दिया। बंदी कह रही हे रानी साहब पीर ने तेरा पति तेरे पास ले दिया भगताने वाला सुखना कर ले त्यार तेरी ऐसी तैसी करी बंदी बच्ची हरामजादी हिंदुआ का पीर किसी की जोड़ी नहीं मिला सकता। ये तो मेरा पीर मेरा पति मेरे अल्लाह ताला ने लिया इमा पीर का कोई काम नहीं। बंदी ने जोड़े बागड़ करनी हाथ हे बागड़ के पीर मनु चाहा मनु तो बेचारे कुछ ना कहिए यार रानी जाना और तो जाना वह तो गई बाडे दे बाहर सुखना दे दिया साफ जवाब। अब दूसरे साल कोल्लू भगत अगले साल संग कुछ ज्यादा बद गया संगत ले का महे का निशान झुलदा एक बागड़ दे इसलू किस तरह चला रहे भाई ऐसे सोबा से बोल बनिया भाई Oh, oh, oh.
ਵਜਾਈ ਨਿਸਾਨ ਬਾਬੇ ਕਾ ਝੂਲਦਾ ਜੈ ਰਿਆ ਢੋਲ ਸਿਉ ਪਰ ਜੈ ਕਾ ਬਜਿਆ ਰਾਣੀ ਖਾਨ ਬਲੋਚਣ ਨੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਲੈਕਾ ਲਿਆਓ ਜਿਦਨ ਮਾਰਾ ਇਹ ਮਾਰੇ ਘਰਾਂ ਆਣ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਰਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਭੇਜ ਕਾ ਆ ਕੋਲੂ ਭਗਤ ਮਹਿਲ ਮਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਰਾਣੀ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗਾੜੀ ਝੰਡਾ ਪੀਰ ਕਾ ਲੱਗਿਆ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ ਕਾ ਕੋਲੂ ਭਗਤ ਬੈਠ ਗਿਆ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨੀ ਕਰਦੀ ਚਿਰਾਗ ਕੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨੀ ਟੇਕਿਆ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮਾਈ ਭਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਪੀਰ ਸੱਚੇ ਕੋ ਸਲਾਮ ਅੱਛਾ ਰਾਣੀ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆ ਗਿਆ ਆਹੋ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਰਾਣੀ ਪੀਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜੂੰਦਾ ਤਾਇਓ ਇਸ਼ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਤੀ ਆਣੇ ਕੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥਾਰੇ ਪੀਰ ਕਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਸਮੇ ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਤਾ ਥਾਰਾ ਗੁੱਗਾ ਪੀਰ ਕਹਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਓ ਜੀ ਪੀਰ ਕੇ ਪਾਸਤੇ ਜਿਸਕੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅੱਛਾ ਰਾਣੀ ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕਾ ਵਰਦਾਨ ਆ ਕੋਲੂ ਭਗਤ ਬਾਗੜ ਨੂੰ ਜੈ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਪੀਰ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਜੈ ਰੇ ਬਾਗੜ ਮਾ ਪਹੁੰਚ ਕਾ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮ ਸੂਰਜ ਗਿਆਣਾ ਅਰੇ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਮ ਗੋਰਖ ਟਿੱਲੇ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਮ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਮਾ ਆਏ ਕਾ ਪੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੇ ਬਾਗੜ ਕੇ ਪੀਰ ਦੇ ਤੋ ਜਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਯੋ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਾਦਾ ਬਾਈ ਅੱਛਾ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇਰਾ ਚਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵਾ ਰਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਚਾ ਮਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਸਕਾ ਪਤੀ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਗਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਰ ਕਾ ਦਿਖਾਣੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੈ ਕਾ ਸਮਝਾਈਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸੁਫਨੀ ਮੰਗੀ ਕੋਲੂ ਭਗਤ ਕੁਰਲੀ ਬਟੋਲੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਬਾਗੜ ਵਾਲਾ ਪਰਚੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਗੁਜਰੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰ ਗਏ ਰਾਣੀ ਖਾਨ ਬਲੋਚਣ ਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੇ ਰਾਣੀ ਪੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦਿਆ ਆਹ ਮੰਜੇ ਪਰ ਪੜੀ ਪੜਾਈ ਨੇ ਐਡੀ ਐਡੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਢੀ ਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੜੈ ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰੀ ਨ ਲੈ ਹੇ ਯੂ ਫਤਮੀ ਪੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਯੋ ਤੋ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਸਮਾ ਪੀਰ ਕਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਮੇ ਕੁਆਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕੁਆਲ ਮਹਿਲ ਮੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ ਦੇਖੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰ ਕੀ ਕੁਆਲੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਾਬਾ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਲੇਤਾ ਜਾ ਔਰ ਕਾਬੇ ਮੇ ਜਾ ਕਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਲੇਤਾ ਜਾ ਅਰੇ ਬਾਲ ਵੀ ਖਰਾ ਕੇ ਜਬ ਕੋਈ ਮਹਿਜਬੀਨ ਕਬਰ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ ਬਾਲ ਵੀ ਖਰਾ ਕੇ ਜਬ ਕੋਈ ਮਹਿਜਬੀਨ ਕਬਰ ਪੇ ਰੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬੀ ਬਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਇਨ ਮਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਅਰੇ ਕਿਤਨੀ ਹਸੀਨ ਹੋਤੀ ਹੈ ਲਾਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤੇ ਰੱਖਿਓ ਬਲਾ ਸਤਾ ਪੀਰਾ ਰੇ ਚਾਰੇ ਚ ਮੇਰਾ ਬਰਨੂ
मजार की जय। जयकारा खवाजे जिंदे पीर दा, बोल सचे मजार की जय। लवई खान बलोचो नु पीर ने बेटा दे दिया, पीर का अदब नहीं कर दी। हो गया अब तीसरा साल, तीसरे साल कौलू भगत का संग बहुत ज्यादा बढ़ गया। राणा जी पर्चे पर होता है संग, जब पीर पर्चा नहीं लावागा संग कोई नहीं जिंदा बागड़। पहले पर्चे लावा फिर संग लेकर जा भगत। तीसरे साल कौलू भगत बार के नौका भर का बसेरा, कुरली बटोली दे चल पड़िया भाई। ढोल बजते जयरे, नसान झूलते जयरे, अरे चुनड़ी शहर के दोरा ढोल है का बज गया। राणी खान बलोचन ने ढोल बजदा सुनिया, अरे नौकरो भक्त नु बुलाका लियो, चल का भगत के पास आए गए नौकर। भगजिया प्राणी ने बुलाए, चलो भाई। लवी महल के गाड़ी चंडा पीर का लग गया, चिराग पीर का बढ़ गया, अरवा मोती चूर नु गोद मा ले रिया, टोर मा फिर रिया। भगत कन्नी तो देख दी भी नहीं राणी, अरे जेंटलमैन नी मा फिर रही। अजी भगजी सलाम, पीर सच्चे को सलाम। अच्छा राणी दे दिया तनु बागड़ाले पीर ने बेटा। आहो भगत जी होगी खुदा की मेहरबानी, ए राणी बागड़ाले पीर ने तनु बेटा दिया। अरे सुखना लेकर चलना पड़ागा, भगत जी बौली बात नहीं करे करते है। मैं तो कहूं तनु सुनी अकला, तनु तो एक रुपये की भी अकल नहीं है। यह तो एक बेटा मेरे पास कौन ही होता, चढ़ती सी उम्र माना होया उतर दी हुई सीमा हो गया। एक और दुआवा फेर जाऊंगी बागड़। ओ भाई राणा जी पीर की कला का बेत कौलू भगत नु भी नहीं आया, जिन्नु सरे आम दर्शन दिए। महाराज की सवारी हैगी, अरे कैसे माड़े माड़े बोल बुलवा रहे आयो पीर भला भगत के मुंह ते। भगत की बेटी होएगी महफिल मारे हा।
दरबार की जय। महल मा आ गया अर रानी क्या कह रही आ, अर भगत के मुंह ते पीर माड़े बोल बुलवाए दिए भाई। मैं तो कहूं रानी ए तो पीरा का सत देखा, मैं तो कहूं तेरा खाना खराब हो जा, तेरे खजाने में कोले राख हो जा, तेरा राजा चल्ला हो जा। ओ भाई ने बरदान देखा पीर बागड़ में चले गया। रानी ने नहीं कभी भी देखे थे भगत खेल दे, उसके लिए खत जान का दे रहा गाड़ा। अरे ओ बंदी ये तो जरा मेरा कोरड़ा तार का इन्नू सखाऊ जड़ मारे के नु भक्ति करनी। राज तेरी ऐसी तैसी करी किसी थोड़ का मूला या चबोड़ा भक्तड़ा। अबे क्या इसका भक्त है तू, क्या इसका भक्त है? तेरे भगत तेरे जैसे भगत मने दुनिया में हजारों देखे रे। ओ मेरे महल से दूर हो जा, गेट आउट। ओ भक्त की बेइज्जती कर दी। जड़ मारे कि ने खाने पीने का डोंगर चाया वा, दुनिया नु लूटने का डोंगर चाया वा, खेर ले जेनु अपने बांस से नु पार ले जा दिवे से नु। रोंदा रोंदा भगत भाइयो नसान ठेका बागड़ माया गया और पीर की कला जागी। हे पीर बाबे दरबार मा जाए का जारो जारो हा भगत। हे पीर बाबे तेरे चाले मा आज मेरी पहले बार इज्जत बर्बाद होगी, मनु क्या कहेंगे लोग। वो भगत तो पहली झटके मा गया साहब, अब देख जरा मेरे पीरी वाले रंग। ओ भाई चल तो रहा मेरे नारसिंह दवान, भगत तन्नु नहीं जाना है चुनड़ी शहर मा, इतना मेरा हुक्म ना हो। अब देखो काले घोड़े का सवार देवता नारसिंह, यो मेरा पीर बागड़ वाला और ड्यूटी लाई दी नारसिंह दवान की। ओ बावी बाव एक लगत करदा मारो मार, जय का खान बलोच चल्ला कर दिया देवते नारसिंह ने। मुगल पठान दौड़ रहे पीछा, किसी के हाथ नहीं आंदा। इबुन्नू भी लग गया पता खान बलोचन नु। दस जनानियां तोरा बैठिया, सदीखन मजीदन बसीर कुजा अल्लाह रखी शान वाजी रेशमा फाता अकबरी सारी बैठिया। अरे वह क्या कह रही, अरे ओ बहन ये जो हमारे महल में भगत जी आता था, हमने अब की बार इसको मंदा फिक्का बोल डाला। वो जाते जाते जड़ मारे का हमारे महल में भूत छोड़कर चला गया। अरे भूत छोड़कर चला गया। ओ नारसिंह दवान की सवारी आई है, ठैका खान बलोचन कुर्सी पर खेल रिया, खेल दियो इन सबेर के 8 बज गए। अरे जिस टाइम 8वीं बजे एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर गाड़ी बैठ गया, ए महाराज इसके सिरदार सुनो भाई, मैं अही बागड़ाला पीर है या बेईमानी मेरे भक्त नु माड़ा बोल जा। ओ मैं ऐसा पीर आनू धरती मा तार दूंगा बेईमानी नु, फिर भी अपनी सुखना ले लूंगा। ऐसा पीर होया राणा यो, इसने अपनी सुखना आज तक किसी पानी छोड़ी, दादे परदाद्या की सुखी भी पोते पड़पोत्या बदल लेकर रहा हो। बुरा हाल कर दिया लोगों ने, समझाई कि रानी तनु पीर की ओपरी है। ये बंदी इन दुआ का पीर तो बड़ा चीड़ा देखा है, कच्चे ब्रोजे की तरह चिमड़ गया। सहत बागड़ देश जानियो बड़ा। दसवें हिस्से की सूखना तैयार कर ली, हो गया चौथा साल। और कौलू भगत ओ देखे संगत लेकर बागड़ नु जह रहा।
वक्त आ गया दोबारा, वैसे आना नहीं था, पीर ने भेजा भी वह मेरे दरबार में आवागी अगले साल। ओ अच्छा भगत जी, मैं भी जाऊंगी जी तेरे साथ बागड़देश। तेरी मर्जी है रानी, तेनू जाना अपने वास्ता जाना, नहीं जाना फिर भी अपने वास्ता जाना। संगार भी लाए फिर भगत जी, मेरे पास पैदल नहीं जाया जाने का। हो ऊटनी का सवार होएगा और संग तो पैदल पैदल जा रहा, वह ऊटनी का सवार होएगा बागड़ में किस तरह चला भाई। कैसे शोभा से बोल बनिया भाई। देसी की के अखंड जोत कोल्लू भगत ने रानी के पास ते लुवाई दी। लुवाई का जोत पीर और कोल्लू भगत कुरली बटोली में आ गया। दिन गुजरे महीने गुजर गए, 9 महीने बाद लड़का हो गया। ए बंदी हो बेटा मनु पीर ने दिया, इसका नाम पीर दिया दर रानी, लड़के का नाम पीर दिया दर लिया कोल्लू भगत, दोबारा संग लेगा बागड़ नू आए रहा भगत जी। अरे पीरते नु गोद मा लेका पैदल पैदल वो रानी खान बलोचन एक बागड़ देश नु चलका कैसे आवारा भाई। शोभा से बोल बनिया भाई। ओ एक हेर लगते ला बागड़ मा आवा, रानी रे आहुरे नीचे नु सवेरी बागड़ मारे खाना की रानी।
उसिया मनावा खान बलोचण। ने पीर का डर मान्या, कहने का मतलब क्या, इस पीर ने तो बड़े बड़े साथ दिए भाई, उस रानी की तो क्या ताकत थी, पीर का भगत जैसा कौलू होया ऐसा मुड़ का भक्त भी नहीं होया। और जैसी सुपना रानी खान बलोचन ने चढ़ाई दी सोने का पखा और चांदी के छतर नगारियां की जोड़ी, ऐसी सुपना भी आज तक किसी ने नहीं चढ़ाई। और दो बेटे लेकर वह रानी खान बलोचन दरबार से अपने चुनड़ी शहर में आ जाती है, बगसमैया की मान बढ़ाइयां करी। कहने का मतलब क्या, यो पीर अपनी सुखना नहीं छोड़दा भाई। पांचवा चाला इस जगह पर और ये समाप्त होता है। बोलो सत्य दरबार की जय, बोलो गुगे जहार पीर की जय।